इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। अल्जले ओरल सस्पेंशन को डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार बिना किसी डोज और अवधि के आहार के बिना लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जब तक आपका डॉक्टर सिफारिश करता है तब तक आपको इस दवा को लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। इसे अनुशंसित अवधि से अधिक समय तक न लें, क्योंकि लंबे समय तक सेवन से स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स आर चॉकलेटी स्वाद, डायरिया, कब्ज एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। कब्ज को दूर करने के लिए आपको अपने आहार में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए। इस दवा से चक्कर भी आ सकते हैं, इसलिए ड्राइव न करें या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यकता हो, जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे आपका चक्कर आना खराब हो सकता है। इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं। आपको अपने डॉक्टर को यह भी बताना चाहिए कि क्या आपको किडनी या लीवर की कोई बीमारी है, ताकि आपका डॉक्टर आपके लिए उपयुक्त खुराक निर्धारित कर सके। अल्जले ओरल सस्पेंशन के उपयोग। एसिडिटी का इलाज, नाराजगी का इलाज, पेट के अल्सर का इलाज। अल्जले ओरल सस्पेंशन के लाभ। एसिडिटी का इलाज। अल्जले ओरल सस्पेंशन आपके पेट में अत्यधिक एसिडिटी से राहत दिलाता है, जो सीने में जलन और अपच से बचाता है। आमतौर पर यह आपकी स्थिति के प्रबंधन के लिए अन्य दवाओं के साथ प्रयोग किया जाता है। जब तक डॉक्टर आपको सलाह दे तब तक इसे लेना जारी रखें। इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको इस दवा को नियमित रूप से लेने की आवश्यकता है। फाइबर युक्त आहार लें, तैलीय या मसालेदार भोजन से बचें और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप हाइड्रेटेड रहें, इसे लेते समय बहुत सारे तरल पदार्थों का सेवन करें। नाराजगी का इलाज। सीने में जलन पेट के एसिड के आपके गले और मुंह एसिड रिफ्लक्स की ओर वापस जाने के कारण होने वाली जलन है। अल्जले ओरल सस्पेंशन पेट में खाने की गति को बेहतर बनाता है और नाराजगी को रोकने में मदद करता है। आपको इसे ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसा इसे निर्धारित किया गया है या जैसा कि यह प्रभावी होने के लिए लेबल पर लिखा है। जीवन शैली में कुछ सरल बदलाव नाराजगी को रोकने या कम करने में मदद कर सकते हैं। इस बारे में सोचें कि कौन से खाद्य पदार्थ नाराजगी पैदा करते हैं और उनसे बचने की कोशिश करें। छोटे, अधिक बार भोजन करें। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करने की कोशिश करें और आराम करने के तरीके खोजने की कोशिश करें। सोने के 3 से 4 घंटे के अंदर खाना ना खाएं। पेट के अल्सर का इलाज। पेट के अल्सर दर्दनाक घाव होते हैं जो पेट या आंत आंत की अंदरूनी परत में विकसित होते हैं। अल्जले ओरल सस्पेंशन आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है, जो अल्सर को और नुकसान से बचाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से ठीक होता है। अल्सर के कारण के आधार पर आपको इस दवा के साथ अन्य दवाएं दी जा सकती हैं। इसके प्रभावी होने के लिए आपको डॉक्टर द्वारा बताए अनुसार अल्जले ओरल सस्पेंशन लेते रहना होगा, भले ही लक्षण गायब प्रतीत हों। अल्जले ओरल सस्पेंशन के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। अल्जले के सामान्य दुष्प्रभाव। चॉकलेट स्वाद, दस्त, कब्ज, एलर्जी की प्रतिक्रिया। अल्जले ओरल सस्पेंशन का इस्तेमाल कैसे करें। इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। उपयोग से पहले दिशाओं के लिए लेबल की जांच करें। इसे मापने वाले कप से मापें और इसे मुंह से लें। इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं। अल्जले ओरल सस्पेंशन को खाली पेट लेना है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।